स्टूडेंट्स वेलकम टू द सेंट एंजल्स ऑनलाइन क्लासेस वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, यानी अब हम वो मेथड्स पढ़ेंगे जिनसे हम केवल क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। फर्स्ट इसमें आता है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, जो एसाइल क्लोराइड्स होते हैं या एसिड क्लोराइड्स होते हैं, इनकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, H2, यानी इनका हम क्या कराते हैं, सिंपल रिडक्शन कराते हैं H2 से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, और पैलेडियम को क्या लेते हैं, बेरियम सल्फेट पर लेते हैं, यानी पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। तो उससे क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एसाइल क्लोराइड क्या होगा, एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाएंगे, जैसे CH3, जैसे बेंजीन C6H5COCl प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, तो क्या बन जाएगा, CHO, यानी COCl ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO ग्रुप में। ऐसे ही RCOCl H2PDBaSO4, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO, यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें सिंपल क्या होता है, जो R यानी एसिल क्लोराइड ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, किस में, एल्डिहाइड ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, नाइट्राइल्स एंड एस्टर, यानी एस्टर और नाइट्राइल्स, इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एस्टर को हम किससे रिड्यूस, नाइट्राइल्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टीफन रिएक्शन से कर सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, पहले जो नाइट्राइल्स होते हैं, आर सी एन ग्रुप होता है, इसका पहले हम क्या करेंगे, SnCl2 और HCl से रिडक्शन करेंगे, SnCl2 और HCl से, यानी दोनों टाइप से यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पे क्या आ जाएगा, एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन दोनों पे क्या आ जाएगा, एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। तो हम इमीन बन जाएगा, इमीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, RCHO+NH3, तो क्या बन जाएगा, RCHO, तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड कंपाउंड बन जाएगा। यानी जो नाइट्राइल है या साइनाइड है, साइनाइड का पहले या नाइट्राइल का हम पहले क्या करेंगे, पहले रिडक्शन करेंगे इमीन में, और इमीन का क्या करेंगे, फिर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं CH3CN प्लस SnCl2 प्लस HCl, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, यानी इमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इमीन फिर क्या करेगा, इस इमीन का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO में। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी होता है, यानी अगर हमारे पास SnCl2 और HCl नहीं है, तब हम इसकी जगह पर डाइबेल एच भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डाइबेल एच भी क्या करेगा, जो साइनाइड है या नाइट्राइल है, इसको किस में रिड्यूस कर देगा, इमीन में रिड्यूस कर देगा। यानी SnCl2 और HCl की जगह हम डाइबेल एच भी यूज़ कर सकते हैं। डाइबेल एच मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, RCH को किस में कन्वर्ट करेगा, सॉरी RCN को किस में कन्वर्ट करेगा, RCH डबल बॉन्ड NH, यानी इमीन में कन्वर्ट करेगा। इमीन का फिर से हाइड्रोलाइसिस करा के क्या बना लेंगे, हम एल्डिहाइड बना लेंगे। तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है ये, यानी या तो हम रिड्यूस कर सकते हैं SnCl2 और HCl से, या फिर कर सकते हैं हम डाइबेल एच से। यहाँ पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डाइबेल एच है वो डो नॉट अफेक्ट द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर याद रखना है हमें कि अगर किसी कंपाउंड को हमें रिड्यूस कराना है, जैसे यहाँ पे हम RCN को रिड्यूस करा रहे हैं RCH डबल बॉन्ड NH में, तो रिडक्शन में अगर हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को बचाना है, यानी डबल बॉन्ड को प्रिजर्व करना है, तब हम डाइबेल एच को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें डाइबेल एच के ऑक्सीडेशन से बचाना होता है, तो वहाँ पे PCC यूज़ करते थे, यानी अगर ऑक्सीडेशन करना है कंपाउंड को, डबल बॉन्ड को प्रिजर्व करना है, तो PCC यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे रिडक्शन अगर करना है तो क्या यूज़ करेंगे, हम डाइबेल एच यूज़ करेंगे। जैसे हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CN, डाइबेल एच, यानी पहले डाइबेल एच से रिड्यूस होगा और फिर हाइड्रोलाइसिस, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, मैं CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CH2, यानी यह डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं कर रहा है। इस रिएक्शन से यानी डाइबेल एच क्या कर सकता है, एस्टर को भी डाइबेल एच भी कर सकता है, और SnCl2 भी क्या कर सकते हैं, एस्टर को भी एल्डिहाइड में रिड्यूस कर सकते हैं। एस्टर कैन ऑल्सो भी रिड्यूस विद डाइबेल एच, तो RCOOR- डाइबेल एच H2O, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO में। जैसे CH3CH2CH2COOC2H5 डाइबेल एच H2O, तो किस में, CH3CH2CH2CHO। इसमें सिंपली क्या होगा, हमें अगर रिएक्शन समझनी है तो याद रखने का क्या, सॉरी रिएक्शन याद रखना क्या तरीका है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन का, दोनों साइड एक एक एच लगा देंगे, यहाँ पे भी एच लगा देंगे, यहाँ पे भी एच लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन जाएगा और दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी यहाँ से हमें एक और क्या मिलेगा, R-OH भी मिलेगा। सिंपली ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, और एक दोनों साइड क्या लगा देंगे, H, तो यहाँ पे भी H लगेगा, तो RCHO बन जाएगा।
यहाँ पे एच लगेगा तो आर डैश ओ एच यानी अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं हम इसको, यानी हाइड्रोकार्बन का क्या करना पड़ेगा हमें, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन का क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, जैसे CH3 टालुइन है, टालुइन को हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, आइदर CrO2 Cl2 से कर सकते हैं या CrO3 इन H3O पॉजिटिव इससे कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा CHO, यानी CH3 ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या देगा हमें, CHO ग्रुप दे देगा। अब इसके ऑक्सीडेशन के लिए हम या तो क्रोमिल क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं या फिर क्या यूज़ कर सकते हैं हम, क्रोमिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। जैसे इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, जो क्रोमिल क्लोराइड होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, मिथाइल ग्रुप को। क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडाइज द मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ओन हाइड्रेशन गिव्स कोरेस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड। यानी क्रोमिल क्लोराइड क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को एक कॉम्प्लेक्स में, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडाइज कर देगा, जिसका हाइड्रेशन से हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। जैसे टोलुइन प्लस CrO2Cl2 ये हमें क्या दे देगा, CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस। यानी इसमें क्या हुआ है, सिंपली एक एच यहाँ से हट के यहाँ पे आएगा और यानी क्या होगा, दो बार ये रिएक्शन होगी, दो बार क्या होंगे, दो एच यहाँ से हट के आएंगे और दो ग्रुप ये कहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलाइसिस पे हमें क्या देगा, बेंजल्डिहाइड। यानी जो मिथाइल ग्रुप है उसका पहले ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड क्या करता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा, बेंजाइलिडिन डाइएसिटेट। यानी टोलुइन से क्या बनाएगा, बेंजाइलिडिन डाइएसिटेट, इसके फर्दर हाइड्रेशन से हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड कन्वर्ट टोलुइन और सब्सटीट्यूटेड टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड डाइएसिटेट, बेंजाइलिडिन डाइएसिटेट विच गिव्स बेंजल्डिहाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। अनदर मेथड क्या होता है इसका, साइड चेन क्लोरिनेशन करेंगे और उसका फिर क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। यानी हम पहले क्या करेंगे, जो मिथाइल ग्रुप है टोलुइन है या सब्सटीट्यूटेड टोलुइन है उसको हम क्या करेंगे, पहले साइड चेन क्लोरिनेशन कराएंगे। यानी बेंजीनिंग पे क्लोरिनेशन नहीं होगा, कहाँ पे होगा, साइड चेन पे कराना है हमें। और साइड चेन पे अगर क्लोरिनेशन कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट की प्रेजेंस में हमें इसको रिएक्शन को कराना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो साइड चेन है, साइड चेन से क्या होगा, एक एच निकल जाएगा, दो एच निकल जाएंगे और क्या होगा, दो सी एल जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा, CHCl2। इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे और क्या बन जाएगा, CHO ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन होती है बाय गटरमैन कोच रिएक्शन, बाय गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन से हम क्या करेंगे, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं विद यूजिंग CO इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl। बेंजीन या इसके डेरिवेटिव जो होंगे उनकी रिएक्शन हम कंपाउंड से कराएंगे, CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl। तो हमें क्या मिलेगा, CHO ग्रुप बेंजीन में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रखते हुए बेंजल्डिहाइड तक जाना है या एल्डिहाइड ग्रुप तक जाना है, अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते हुए जाना है, यानी बेंजल्डिहाइड में कोई कार्बन नहीं, बेंजीनिंग पे कोई कार्बन नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसको CuHCl में जाएंगे और बेंजीनिंग में ऑलरेडी कार्बन है जैसे टोलुइन है उसको हमें अगर कन्वर्ट करना है तो लास्ट जो दो मेथड हमने पढ़े हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन को बढ़ाएंगे भी। जैसे क्लोरोबेंजीन है, इस पर अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं CU प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या मिलेगा हमें, Cl एज इट इज़ और बेंजीन में क्या जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, यानी अब हम वो मेथड्स पढ़ेंगे जिनसे हम केवल और केवल क्या बना सकते हैं, कीटोन्स बना सकते हैं। इनमें फर्स्ट मेथड क्या होता है, जो एसाइल क्लोराइड होते हैं RCOCl, इनकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम, डाई एल्किल कैडमियम से कराएंगे। तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, यानी 2R-COCl प्लस R2CD। तो यहाँ से क्या होगा, CdCl2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, 2R-COCl यानी कीटोन बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है
जो डाई अल्काइल कैडमियम है ये भी हमें इजिली प्रिपेयर नहीं मिलेगा, इसको हमें प्रिपेयर करेंगे किससे, कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराएंगे हम, आर एम जी एक्स यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। डाई अल्किल कैडमियम इज प्रिपेयर्ड बाई रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो सी डी सी एल टू प्लस टू आर एम जी एक्स गिव्स आर टू सी डी प्लस टू आर एम टू एम जी एक्स सी एल। नेक्स्ट फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स से बना सकते हैं हम कीटोन को, इसके लिए हम क्या करेंगे नाइट्राइल्स पे क्या करेंगे हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एडिशन कराएंगे यानी एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे क्या यहाँ पर अगर इसकी मैकेनिज्म हम देखें, इसमें क्या होगा सी ट्रिपल बॉन्ड एन ग्रुप है, इसमें क्या होगा कार्बन और नाइट्रोजन में कौन सा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की तरफ को एक बॉन्ड टूट जाएगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ये कैसे टूटेगा, सी सिक्स एच फाइव निगेटिव और एम जी बी आर पॉजिटिव, तो अपोजिट चार्ज को जोड़ देंगे हम, तो निगेटिव कहाँ चला जाएगा इस कार्बन पर चला जाएगा और एम जी बी आर कहाँ जाएगा नाइट्रोजन पर जाएगा, तो क्या कंपाउंड बनेगा हमारा सी एच थ्री सी, इस सी पर क्या जाएगा सी सिक्स एच फाइव आ जाएगा और फिर एम जी बी आर कहाँ चला जाएगा एन के ऊपर चला जाएगा, तो सी एच थ्री सी सी सिक्स एच फाइव डबल बॉन्ड एन एम जी एक्स या बी आर, इसका फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कीटोन ग्रुप मिल जाएगा, यानी यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो क्या बनेगा हमें कीटोन ग्रुप मिल जाएगा। तो नाइट्राइल्स पे हम क्या कराएंगे, पहले ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एडिशन कराएंगे, फिर उसका जो कंपाउंड बनेगा हमारा उस कंपाउंड को हम क्या करा देंगे हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो हमें क्या बन जाए मिल जाएंगे कीटोन्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन बाय फ्री रेडिकल सॉरी बाय फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, इसमें हम क्या करेंगे फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराते हैं, यानी बेंजीन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे आर सी ओ सी एल या ए आर सी ओ सी एल यानी एरोमेटिक एसिड क्लोराइड या एलिफेटिक एसिड क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ किसमें एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री में कराएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें सी ओ आर या सी ओ ओ ए आर ग्रुप जुड़ जाएगा और क्या मिलेगा। नेक्स्ट आता है फ्रॉम सब्सटीट्यूटेड बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, इसको हम किससे बनाते हैं बाय फ्री रेडिकल सॉरी बाय फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है जो बेंजीन होता है बेंजीन की रिएक्शन एरोमेटिक एसिड क्लोराइड या एलिफेटिक एसिड क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में कराएंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा जैसे यहाँ पे क्या सी ओ आर ग्रुप या सी ओ ए आर ग्रुप क्या होगा जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग क्यूब का। जैसे इसमें हमने क्या किया टोलुइन लिया और टोलुइन की रिएक्शन में किससे कराई सी टू एच फाइव सी ओ सी एल से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री, तो इसमें क्या होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है सी एस थ्री ग्रुप जो होता है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सी एस थ्री के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जुड़ेगा, तो मेजर प्रोडक्ट तो पैरा ही होता है इसमें क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो पैरा पोजिशन पर क्या होगा सी ओ सी टू एच फाइव ग्रुप जुड़ जाएगा और हमें ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, यानी टोलुइन प्लस सी टू एच फाइव सी ओ सी एल इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस सी ओ सी एल थ्री सी एस थ्री सी सिक्स एच फोर सी ओ सी टू एच फाइव, यानी ये कंपाउंड हमें मिल जाएगा पैरा पोजिशन पर क्या होगा सी टू एच फाइव सी ओ ग्रुप जुड़ जाएगा। ये रोड मैप के फॉर्म में मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड और कीटोन्स के हैं। जैसे एल्डिहाइड हम कैसे बना सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे पी सी सी पी डी सी एनहाइड्रस सी ओ सी एनहाइड्रस सी आर ओ थ्री या कोपर से करा सकते हैं, इनका ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड मिल जाएगा एल्किन के हाइड्रेशन से मिल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एस्टोएसओ फोर एंड एचजीएसओ फोर, एल्किन के ओजोनोलाइसिस से मिल जाएगा, ऐसे ही जो हमारे एरिल क्लोराइड है या एसाइल क्लोराइड है उनसे के क्या किससे रोजन मोन रिडक्शन से उनका रिडक्शन कर देंगे एच टू पी डी बी एस ओ फोर की प्रेजेंस में, हमने अभी पढ़ा था आर सी एन वो आर सी एन का पहले क्या करेंगे हम रिडक्शन कराएंगे इमीन में एस एन सी एल टू और एस सी एल से फिर उसको हाइड्रेशन कराएंगे तो एल डी आईडी मिल जाएगा हमें, ऐसे ही आर सी एन का रिडक्शन हम डाइबेल एच से करा सकते हैं फिर हाइड्रेशन कराएंगे तो भी एल डी आईडी मिल जाएगा, एस्टर के हाइड्रेशन से करा सकते हैं सॉरी एस्टर के रिडक्शन से यानी रिडक्शन और फिर हाइड्रोलाइसिस से भी क्या मिल जाएगा हमें एल डी आईडी मिल जाएगा, यानी इन सब तरीक़ों से तो हम क्या बना सकते हैं एलिफेटिक एल डी आईड बना सकते हैं। फिर बेंजाइल डी आईडी हम बना सकते हैं किससे बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं या अगर बेंजीन के उसमें क्या हो यहाँ पे बेंजीन के अगर साइड चेन में एल्काइल ग्रुप है तो वहाँ पर उसको भी ओजोनोलाइसिस हो सकता है, ऐसे ही आर सी ए आर सी ओ सी एल इसके रोजन मून रिडक्शन से बनाया जा सकता है, सी एन ग्रुप का रिडक्शन कर सकते हैं वही
फिर यहाँ पे CH3 की इटार्ड रिएक्शन चेक कर सकते हैं, CrO3 का ऑक्सीडेशन, CH3 का ऑक्सीडेशन CrO3 से करा सकते हैं, या बेंजीनिंग पे CO और HCl की रिएक्शन से बना सकते हैं। इस रोड मैप को आप कॉपी में बना लेंगे इजीली और साफ से बनाएंगे तो ये आपको हेल्पफुल होगा आगे, क्योंकि ये जब आप रोड मैप करोगे, जब आप कन्वर्जन करोगे तो वहाँ पर आपको ये काम आएगा। ऐसे ही कीटोन्स को अगर हम बनाना है तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं, एल्किन की ओजोनोलाइसिस से बना सकते हैं, एल्किन के हाइड्रेशन से बना सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था अगर हमारे पास एल्किन में, अगर सबसे सिंपल एल्किन है यानी अगर हमारे पास एसिटिलीन गैस है, एसिटिलीन के हाइड्रेशन करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। एसिटिलीन के अलावा कोई और भी, अगर एसिटिलीन के अलावा अगर कोई भी हम एल्काइन ले रहे हैं, एसिटिलीन के अलावा अगर हम कोई भी एल्काइन ले रहे हैं तो उसके हाइड्रेशन से हमें क्या मिलता है, कीटोन्स ही मिलेंगे। ऐसी RCOCl की रिएक्शन R2CD से करा सकते हैं, RCN का पहले ग्रिग्नार्ड एजेंट से एडिशन कराएंगे, फिर हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, या फिर बेंजीनिंग के फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन से भी हमें कीटोन मिल सकते हैं। तो इन मेथड से हम क्या बना सकते हैं, कीटोन्स बना सकते हैं।